So hello and welcome back to my channel everyone. This is Sadiq and you are watching Hyperrider Sadiq. So guys, दो हफ्ते हो चुके हैं मैंने कोई राइडिंग वीडियोस नहीं डाला है. सो आज सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लूँ क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले राइडिंग रिलेटेड कुछ एसेसरीज ऑर्डर किए थे ऑनलाइन से, जो कि वो आ चुके हैं आज. तो उसी को आज अनरैप करेंगे और दिखाएंगे क्या क्या प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए हैं. साथ ही साथ मैं अपने वेगा क्रक्स हेलमेट जो मैं यूज़ करता हूँ राइडिंग के दौरान पे, उसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा. एंड देखते पहले अनरैप करेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वेगा को क्या मैं मॉडिफिकेशन करने वाला हूं. सो गाइस बने रहिए एंड देखते रहिए, स्टे ट्यून. सो ये रहा प्रोडक्ट, इसको फटाफट से खोलते हैं, देखते हैं अंदर में क्या है. एंड ये अमेजन प्राइम का मेरा मेंबरशिप है तो इसलिए क्विक डिलीवर्ड हो गया. इसको ओपन कर लेते हैं. सो गाइस ये रहा, ये है बिल, उसके अंदर में और कुछ नहीं है. दिस इज WD-40, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है ये. कुछ सो इसको पीछे आप देख सकते हो, जैसे कि इसके पीछे में क्विक टिप्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो. एंड इसका प्राइस है, मुझे पड़ा ₹110 अमेजोन पे, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगे. सामने में भी कुछ फीचर्स इसके दिए हुए, आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो. बेसिकली आप इसे रस्टेड पार्ट्स में यूज़ कर सकते हो, रस्ट बहुत ईजीली चले जाएगा. मैं इसको एक छोटा सा आपको डेमो देके भी दिखाता हूँ. एंड बस दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसमें. सो आप इसे इग्निशन ऑन ऑफ स्विच पे आप इसे यूज़ कर सकते हो. बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑन ऑफ करने में. एंड बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है. इस तरह से आप डाल दीजिए, लुब्रिकेट हो जाएगा. टैंक की में भी आप डाल सकते हो. एंड इंडिकेटर हॉर्न में अगर प्रॉब्लम हो तो ये इसमें भी डाल सकते हो. So here is another product. This is from Amazon. Amazon से मैंने और एक product order किया था. इसमें देखते हैं क्या है, तो open कर लेते पहले. इसमें मैंने एक t-shirt order किया था, dry fit t-shirt है ride के लिए. ride के लिए बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो सोचा मैंने एक t-shirt order कर दूँ. तो वो भी आ चुका है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार. स्ट्रेचेबल है, ड्राई फिट है, राइडिंग जैकेट्स के अंदर में पहनने के लिए. तो इसको मैं एक बार आपको पहन के दिखा देता हूँ. सो गाइस जैसे देख सकते हो, इसमें टी शर्ट एंड इसमें रेड स्टिचिंग का डिज़ाइन बना हुआ है. इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग, बहुत ऑसम टी शर्ट है, कंफर्ट भी बहुत है. सो या तो टी शर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, इसके पीछे में रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो. सो आप ओपन कर लेते हैं हम लोगों का लास्ट प्रोडक्ट. तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं. सो हियर इज द वाइजर, ये किस तरह से इंटैक्ट का पता नहीं मुझे, बस एक इनवॉइस आया है. ये रहा वाइजर, ये आपको ब्लैक में दिखता होगा पर मैं इसको ओपन करके आपको एक बार बता देता हूँ. पर इस तरह से ही वाइजर को भेज दिया, एक क्रैक ना हो जाए. इसको अच्छे से रैप करके भेजना चाहिए था. एंड इसमें एक्स्ट्रा स्क्रूज वाइजर को लगाने के लिए. सो हियर इज़ द वाइजर फ्रॉम वेगा, स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइजर, पॉलीकार्बोनेट सिलिकॉन हार्ड कोटेड. एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं वेगा क्रक्स का, जो इसमें वेगा क्रक्स की भी ब्रांडिंग दी हुई है. एंड ये कलर है ब्लू में, पर मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था ऑरेंज में, पता नहीं है ब्लू वाइजर में क्यों भेज दिया. तो यह इसका कलर देख सकते हो.
तो अनब्रेकेबल। इससे पहले मैंने प्लेन वाइट में भी लिया था, वो चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एंड ये मैंने एक मर्क्यूरी में ऑर्डर किया था, तो मुझे इस तरह की ब्लू कलर भेजा। तो चलिए हेलमेट पे इसको अब इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। सो गाइस, हियर इज माय वेगा क्रक्स TX हेलमेट। बहुत दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 साल हो चुके हैं। एंड रिसेंटली मैंने इसका क्लियर वाइजर डाला इस पे, पर ये दिन के टाइम में राइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि सन का रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा कलर वाइजर या इस तरह के स्मोक वाइजर डालते हैं। देख सकते हो, लगते हैं बाद बहुत ही कूल दिखेगा। इसको इंस्टॉल करने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा काम करवाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा रैप कराने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा मार्केट, एंड कोलकाता का बेस्ट मार्केट है रैपिंग के लिए, दैट इज़ वेलिंगटन। तो चलते हैं पहले वेलिंगटन पे, ताकि इस पर थोड़ा सा रैप का काम करवाते, उसके बाद मैं इसका वाइजर जो है इंस्टॉल करूँगा। सो गाइस, देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। टिल देन गाइस, स्टे ट्यून एंड चलते हैं। One eternity later. So guys, I'm at Wellington Market right now, and जैसे कि आप देख सकते हो हेलमेट पे काम चालू हो चुका है। और डिज़ाइन के लिए नियॉन येलो कलर मैंने चूज़ किया है, तो देखते हैं बनने के बाद कैसा लगता है, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। अगर आप लोग किसी को भी अगर बाइक पे या फिर हेलमेट पे कुछ भी रैपिंग का या स्टिकरिंग का कुछ भी काम करवाना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस गाई। मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही मस्त फिनिशिंग है इसके हाथ में। सो देखते रहिए गाइस, जैसे मैं कंप्लीट हो जाता हूँ उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। Later. So guys, I'm back to my home. मैं घर आ चुका हूँ, हेलमेट में रैपिंग का काम हो चुका है, बस थोड़ा ही सा मैंने हल्का ही से रैपिंग करवाया है, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, बट बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड तो चलिए अब उसको वाइजर से अब रिप्लेस करते हैं, पुराने वाले वाइजर को हटा के न्यू वाले वाइजर को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए पहले वाइजर लगाने से पहले आपको ये वाला खोलना पड़ेंगे स्क्रू, पहले स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। वाइजर के साथ आपको न्यू दो स्क्रू मिलने वाले हैं, अब स्पेयर के हिसाब से इसको रख सकते हैं। उसके बाद स्क्रू को लगा दीजिए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, देन प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में भी। एक बार चेक कर लीजिए लगने के बाद कि फिटिंग हुआ कि नहीं, के बाद इसको फुल टाइट कर दीजिए। सो गाइस, चलिए अब वाइजर फिट हो चुका है, एंड आपको मैं एक बार हेलमेट का 360 व्यू दिखाता हूँ कैसा लग रहा है लगने के बाद। We'll be right back.
गाइस सिनेमैटिक शॉट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस क्लैंप को मैं लगाने भूल गया था, एंड ये क्लैंप है फॉर माई इंटरकॉम वीनेट फोन V6। एंड ये इंटरकॉम को मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आई बटन में यहाँ पे डाल दूंगा आई बटन पे। एंड बहुत ही अच्छा इंटरकॉम है, इसके बारे में आप देखना वीडियो देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वीडियो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसको ऑन को कर लेते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इंक्वायरी है आपको तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड छोटा सा व्लॉग था, दैट्स इट गाइज, तो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन गाइज, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। दिस साइड हाइपर राइडर सादिक साइनिंग ऑफ। राइड सेफ, थैंक यू।